दर्शकों, केपी न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं असलम खान। कुछ दिन पहले किसी ने कहा है कि अगर कोई एस्पिरेंट बनता है आने वाले चुनाव में, इलेक्शन में, तो उसके लोग जो है चड्डी और पैंट निकाल कर मारते हैं। तो ये कहाँ हुआ है इस तरह का वाकया, ये हम भी जानना चाहते हैं और बीदर की जनता भी जानना चाहती है कि अगर कोई एस्पिरेंट बनता है, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई टिकट पूछता है तो उसे लोग चड्डी और पैंट निकाल कर उसको मारते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है बीदर की एक सभा में। और ये भाषा का इस्तेमाल करने वाले कोई और नहीं, बीदर के विधायक रहीम खान ने एक सभा को संबोधित करते हुए इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है कि भालकी और हुमनाबाद में अगर कोई इस तरह का एस्पिरेंट या दावेदार कोई टिकट पूछता है या फिर ऐसी कोई बातें करता है कि मुझे टिकट कंफर्म हुआ है, तो उसे लोग मार कर उसका चड्डी और पैंट निकालते हैं। अगर यही बात जो बीदर में चल रही है, अगर वही हल्की में अगर चलती है, तो वहाँ के लोग पकड़ के उसको 2 मिनट में वही चड्डी पैंट निकाल देते थे उसकी। वही अगर हुमनाबाद में बात चलती तो उसकी चड्डी पैंट निकाल देते। तो इस तरह की घटना कहां पर हुई है? क्या बीदर के विधायक रहीम खान, भालकी के शासक और हुमनाबाद के शासक ईश्वर खंडरे और राजशेखर पाटिल को हुंडा साबित करने की साजिश कर रहे हैं? उनकी क्या मंशा है इसके पीछे, उनके क्या इरादे हैं पता नहीं। लगातार हर सभा में विधायक रहीम खान ये कहते हुए नजर आए हैं कि भालकी में ऐसा नहीं होता है, हुमनाबाद में ऐसा नहीं होता है, लोग जो है मुझे ही डरा रहे हैं। लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला करने की कोशिश की गई है विधायक रहीम खान की ओर से। लोगों को बोलने की आजादी है, बोलने का हक है, उनको ये अधिकार है, संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो आजाद रहें, आजाद देश में रहें, आजाद देश में जिए और अपनी बात करने की आजादी उनको संविधान ने दी है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करना, इस तरह की बातें करना, तो लोग उनको पकड़कर उनके कपड़े निकालते हैं। तो ये कहाँ का संविधान है और ये कौन लोग है? भालकी और हुमनाबाद के लोगों से भी हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन लोग है आपके तालुके में, आपके भालकी में, हुमनाबाद में, के जिन्होंने एस्पिरेंट के साथ इस तरह का बर्ताव किया है कि किसी के कपड़े निकाले हैं मारकर, उनके पैंट निकाल लिया है। ये जानना चाहते हैं, हम लोग भी ये जानना चाहते हैं और बीदर के तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के वाक्य कहाँ हुए हैं। दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह का करना ये एक डराने धमकाने की बात है, ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीनने की बात है, उनके अधिकारों को, उनके जो संविधान में उनको अधिकार दिए हैं, इसको छीनने की बात है कि आप हमसे डरे, हमारे खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते। और ये जो लोगों की बोलने की आजादी है, इस पर भी ये हमला है। और लगातार जो है हुमनाबाद और भालकी के लोगों को गुंडा बताने की साजिश की जा रही है। हर बात में, हर सभा में ये कहा जाता है कि भालकी में ऐसा नहीं होता है, हुमनाबाद में ऐसा नहीं होता है। तो मैं हुमनाबाद और भालकी के लोगों से भी हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा भालकी और हुमनाबाद में ऐसा कौन सा गुंडा राज है, ऐसी कौन सी गुंडागर्दी होती है जिससे वहाँ के लोग डरते हैं? क्या वहाँ के लोग, वहाँ के शासक, वहाँ के नेता कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कानून का गलत उपयोग करते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो वहाँ के लोग इस जुल्म को क्यों सह रहे हैं, इसके खिलाफ वो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? लोगों को बोलना चाहिए, अगर ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसके बाद भी कांग्रेस के एक नेता की ओर से, विधायक की ओर से हुमनाबाद और भालकी के बारे में ऐसी बातें कही जा रही है, तो भालकी और हुमनाबाद के लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसकी हकीकत बतानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही हर सभा में खुद कांग्रेस के लोग अगर ये कहते जाएं, तो लोगों के जो ज़हनियत है, जो दिमाग है, उसमें ये बात बैठ जाएगी कि हुमनाबाद और भालकी में गुंडे लोग रहते हैं, गुंडागर्दी वहाँ पर आम है, वहाँ पर गुंडा राज चलता है। इसी वजह से आज हमने भी ये इरादा किया है कि लोगों के सामने आए और इस बात को रखें। और कांग्रेस में जो है बीदर से 6 लोगों ने दावेदारी अपनी पेश की है, बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है, 6 लोगों ने टिकट पूछा है। तो क्या उन लोगों को बात करने का हक नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के ये नियम है
कि जो एमएलए जीतता है उसी को टिकट दिया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वहाँ के कार्यकर्ता जो है एप्लीकेशन ना भरें और जो जीतता है उसको ही हम टिकट देंगे। ये खुले तौर पे उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो जीता वही सिकंदर है हमारे पास, दूसरे को किसी को एस्पिरेंट बनने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन पार्टी की ओर से एक एप्लीकेंट का फॉर्म दिया जाता है, फिर एफिडेविट उनसे पूछा जाता है और उसके कुछ फीस भी ली जाती है, जिसके बाद एस्पिरेंट अपनी दावेदारी का दावा भी पेश ना करें, तो ये कहाँ की हिमाकत है, ये कहाँ का कानून है। इस तरह की बातें जो है बिदर में चल रही है कि जो दावेदार है वो खुलकर अपनी दावेदारी भी पेश नहीं कर सकता है। और कांग्रेस में हर हमेशा से यही कहा जाता है कि जो जीता है टिकट उसी को मिलेगा, तो फिर क्या जो कार्यकर्ता कांग्रेस में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अब हमारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और यहाँ पर काम करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि पार्टी में जो जीता उसी को अगर टिकट मिलता रहा, यही नियम यही कानून अगर चलते रहे, तो फिर नए आदमी को किस तरह मौका मिलेगा, किस तरह से लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, वो किस तरह से लोगों के बीच काम कर सकेंगे। इस तरह की बातें जो है बयानबाजियां बीदर के नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत चल रही हैं। अभी विधानसभा चुनाव अभी आने वाले हैं, इसका ऐलान भी अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह से इलेक्शन की गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। बहुत से जगहों पर बीदर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से दूसरे पार्टी के लोग भी बयानबाजियां करते हुए टिकट पूछते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ही ऐसा क्यों कि अगर कोई टिकट पूछता है, कोई एस्पिरेंट बनता है, तो उसे गद्दार कहा जा रहा है, उसे ये कहा जा रहा है कि पार्टी से उसे निकाल दिया जाएगा, वो खुलकर कहीं बात नहीं कर सकता है। इस तरह का रवैया अगर रहेगा तो फिर कांग्रेस किस तरह मजबूत होगी, कैसे काम कर सकेगी। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी लगातार खबरें हम लेकर आते रहेंगे और देखते रहिए हमारा चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, धन्यवाद।